नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रकाश नेत्रालय एवं पंचकर्म केंद्र से। क्या 5000 साल से एक जीवन एवं चिकित्सा पद्धति बिना किसी विज्ञान के चल सकती है? शायद नहीं। मैं बात कर रहा हूं आयुर्वेद की, जो आज भी पूर्ण तरह से प्रासंगिक है। मैं आज आपको क्विकली 20 पॉइंट्स में बताऊंगा कि ये सिर्फ एक विश्वास की पद्धति नहीं है, कि सिर्फ एक ये बिलीफ सिस्टम नहीं है, ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। पहला सिद्धांत है पंच महाभूत का सिद्धांत। इस सृष्टि की हर एक वस्तु, हर एक जीव, हर एक मनुष्य 5 महाभूतों से मिलकर बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 बेसिक एलिमेंट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से ही हर एक आदमी का निर्माण होता है और हर एक जीव का बनावट है और उसी के अनुरूप उसकी फिजियोलॉजी एक्सप्रेस करती है। दूसरा सिद्धांत है त्रिदोष का सिद्धांत। वात, पित्त और कफ, ये 3 बेसिक फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हर एक इंसान की प्रकृति को डिजाइन और डिसाइड करते हैं, जिसके आधार पर सारे शरीर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो चलती हैं। तीसरा सिद्धांत है प्रकृति का सिद्धांत। प्रकृति यानी कि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होना, ये दोष प्रकृति ही डिसाइड करती है कि आपके शरीर में किस तरह की बदलाव और किस तरह की चीज़ों को आप पसंद या नापसंद करेंगे। आपकी बेसिक बॉडी का रिएक्शंस कैसे रहने वाले हैं, आपको गर्मी का मौसम ज़्यादा पसंद होगा, सर्दी का मौसम ज़्यादा पसंद होगा, कैसे रोग आपको आएंगे, किस तरह का आपको खान पीन रखना चाहिए जिससे आप इन 3 प्रकृतियों को बैलेंस कर पाएं, इस माध्यम से हम समझ सकते हैं। अगला हम बात करेंगे आयुर्वेद के ऑब्जेक्टिव का। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम्, आतुरस्य विकार प्रशमनम् च। ये 2 ऑब्जेक्टिव आयुर्वेद में रखे गए। पहला ऑब्जेक्टिव है स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखा जाए, उन सिद्धांतों को, उन बेसिक डिसिप्लिन्स को जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं वो पहले ऑब्जेक्टिव में आती हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है आतुरस्य विकार प्रशमनम् च, कि अगर किसी कारण से व्यक्ति बीमार हो भी जाए तो उसका सिद्धांत कुदरत के अनुरूप कैसे किया जा सकता है जिससे उसे रोग से मुक्ति मिल जाए। अगला हम बात करेंगे आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ की डेफिनेशन क्या है, कौन स्वस्थ है। सम दोषो, सम धातु, सम अग्नि, मल क्रिया, प्रसन्न आत्म इंद्रियम मन स्वस्थ इति अभिधीयते। जिसके धातुएं सम हैं, जिसके दोष सम हैं, जिसकी अग्नि सम हैं, जिसके मलमूत्र की क्रियाएं सही तरीके से होती हों, जिसकी आत्मा मन सब तरह से प्रसन्नता का अनुभव करते हों, वही व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। अगला सिद्धांत दिनचर्या का है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक एक ऐसा डिसिप्लिनरी पैटर्न डिजाइन किया गया है आयुर्वेद में, जिसको फॉलो करने से आप पूरी तरह से बीमारियों से बचे रह सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है आपकी डाइट को लेके, आपके फूड को लेके, आपके आहार को लेकर के। आपको क्या खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, ये सारे बेसिक प्रिंसिपल्स आयुर्वेद के अंदर समाहित हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मॉडर्न साइंस डिजाइन करता है मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स और आपकी कैलोरीज के आधार पे कि एक स्पोर्ट्स पर्सन की डाइट कैसी होनी चाहिए, बुजुर्ग की डाइट कैसी होनी चाहिए, बच्चे की डाइट कैसी होनी चाहिए, गर्भिणी की डाइट कैसी होनी चाहिए। आयुर्वेद ने एक बहुत ही सिंपल सिद्धांत से इस चीज को डिजाइन कर दिया है, आहार मात्रा अग्नि बल अपेक्षणी। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपकी डाइट, आपकी खुराक, क्या आपको खाना है, ये आपके अग्निबल की अपेक्षा करती है। अग्निबल यानी कि आपकी पाचन क्षमता कैसी है। आप जिस चीज को पचा सकते हैं आप वही चीज खाएंगे, आप जिस चीज को पचा नहीं सकते, अगर कैलोरीज ज्यादा लेने के चक्कर में आप उसको खाएंगे तो आप सिर्फ बीमार पड़ेंगे, स्वस्थ नहीं रह सकते। अगला सिद्धांत है गुण का सिद्धांत। आयुर्वेद हमेशा क्वांटिटी की जगह क्वालिटी को ज्यादा महत्व देता है। आपकी भोजन की नेचर कैसी है, आप जो चीज खा रहे हैं उसमें गुण क्या हैं, इन सिद्धांतों के आधार पर ही जीवन के बहुत सारे पैरामीटर्स का डिसीजन लिया जाता है, इसलिए गुण के सिद्धांत को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। अगला मैं बात करूंगा ऋतुचर्या के सिद्धांत की। मूंगफली और तिल के लड्डू और गजक सर्दी के मौसम में ही खाए जाते हैं, गुलाब और चंदन का शरबत हम सिर्फ गर्मियों में पीते हैं, पकौड़े अक्सर बारिश के मौसम में बनाए जाते हैं, ये सब पूर्णतः वैज्ञानिक है जिससे आपके 3 दोष वात, पित्त और कफ बैलेंस में रह सकें। उन सिद्धांतों को ऋतुचर्या के अंदर बताया है कि किस मौसम में आपको कैसा व्यवहार करना है। अगला एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है अधारणीय वेगों का, यानी कि वो नेचर की कॉल जिनको आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है और उन वेगों का त्याग कर देना चाहिए। ऐसे 13 वेग आयुर्वेद ने बताए हैं, जैसे यूरिन का प्रेशर आना, मोशन का प्रेशर आना, डकार आना, समय पे भूख लगना, समय पे अगर आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगी है और आप पानी नहीं पी रहे हैं, ये वो वेग हैं, 13 ऐसे बताए हैं जिसको आपको इग्नोर नहीं करना है, उनकी पूर्ति तुरंत कर देनी है ताकि आप रोगों से बचे रह सकें। अगला सिद्धांत सातम्य का है। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे इसकी आदत बन गई है, मुझे इसकी आदत बन गई है। जी हाँ, ये पूरी तरह से सही है। आयुर्वेद सातम्य के सिद्धांत पर यकीन करता है कि जब आप किसी एक वस्तु का अभ्यास, एक डाइट का, एक खाने का, एक आदत का अभ्यास रेगुलर अपनी लाइफस्टाइल में डाल लेते हैं तो आपकी बॉडी
इस तरह से ट्यूनअप होना स्टार्ट कर देती है कि वो आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है बिना आपके शरीर को तकलीफ पहुंचाए हुए। हमने बहुत बार ऐसे लोगों की भी बात सुनी है जो डेली पॉइजन लेते हैं तो भी उनके शरीर में नुकसान नहीं होता। उस अभ्यास को छोड़ने का भी एक तरीका आयुर्वेद में सातम्य के सिद्धांत के रूप में बताया है। अगला इंपॉर्टेंट सिद्धांत है रसायन का। आयुर्वेद में रिजुविनेशन थेरेपीज का बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। चाहे रसायन का अर्थ क्या है पहले ये समझने की जरूरत है। यद जरा व्याधि विध्वंसी तद रसायनम, जो जरा यानी कि बुढ़ापे का और रोगों का नाश करे ऐसी चिकित्सा को, ऐसे सिद्धांत को रसायन कहते हैं, ऐसे पदार्थ को रसायन कहते हैं। यानी कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं इस कुदरत में हैं, अगर हम उनका रेगुलर अभ्यास करें एक नियम के तहत तो आप बुढ़ापे को दूर कर सकते हैं, एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं, डिजेनरेटिव प्रोसेस को रिड्यूस कर सकते हैं और युवा अवस्था को लंबे समय तक मेंटेन करके आप हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं। देखिए अब तक ये जो सिद्धांत की मैं बात कर रहा था ये थे सारे स्वस्थ रहने के सिद्धांत। अब अगर किसी वजह से रोग आ भी जाए तो चिकित्सा के संबंध में आयुर्वेद का क्या मत है, मैं आपको बताना चाहूंगा। 5000 साल पहले भी आयुर्वेद में 8 मेजर स्पेशलिटीज का डिस्क्रिप्शन मिलता है। सर्जरी, काय चिकित्सा, INENT, स्त्री एवं प्रसूति रोग यानी कि गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स यानी कि कुमार भृत्य, टॉक्सिकोलॉजी का बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है, विश्व विज्ञान कौन सी चीजें हमारे लिए नुकसानदायक हैं, कौन सी चीजें सही हैं। अगला है रसायन थेरेपी, जिससे हम रिजुविनेशन यानी कि बॉडी के एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। वाइगर एंड वाइटलिटी को मेंटेन रखने के लिए, बढ़ाने के लिए जो थेरेपीज हैं वो वाजीकरण चिकित्सा के सिद्धांत में आती हैं। ये 8 डिटेल्ड और ब्रॉड क्लासिफिकेशन में आयुर्वेद के चिकित्सा को क्लासिफाई उस समय भी किया गया था। अब हम बात करेंगे आयुर्वेद में रोग की क्या क्लासिफिकेशन है, डिजीज की क्लासिफिकेशन कैसी है। जेनेटिक, कंजेनाइटल, हेरिडिटरी से लेकर और ट्रॉमेटिक मेटाबॉलिक डिजीज तक आयुर्वेद में क्लासिफाई किए गए हैं 8 ब्रॉड कैटेगरीज में। आगे हम बात करेंगे कि आयुर्वेद का रोग आने के विषय में क्या मत है कि व्यक्ति को रोग होंगे क्यों। 3 तरीके से आयुर्वेद में रोग के कारण बताए हैं। पहला कारण है असात्म इंद्रियात संयोग, यानी कि आपकी 11 इंद्रियां, कौन कौन सी, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन। ये 11 कर्म इंद्रियों से जब आप या तो ज्यादा काम लेंगे, गलत तरीके से काम लेंगे, बिल्कुल ही काम नहीं लेंगे तो आपको रोग आने का डर रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आंखों का बहुत तेज रोशनी में काम करना, बहुत कम रोशनी में काम करना एक रोगों का मूलभूत कारण बन सकता है। दूसरा रोगों का कारण आयुर्वेद ने माना है प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध का अर्थ है आप अपनी बुद्धि का गलत तरीके से अगर इस्तेमाल करें, जैसे जो चीज आपके लिए नुकसानदायक है आपको अगर जानते हुए भी उसका इस्तेमाल करेंगे तो रोग तो आएगा ही। तीसरा जो कारण आयुर्वेद में बताया है रोगों का वो है परिणाम। परिणाम का अर्थ है समय का सही ना होना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ बारिश के मौसम में अगर बहुत ज्यादा बारिश आ जाए, बिल्कुल ही बारिश ना आए, गर्मी के मौसम में बहुत तेज गर्मी पड़ने लगे या बर्फ गिरने लग जाए किसी जगह पर, या बिल्कुल ही गर्मी ना पड़े, ये जो मौसम के बदलाव हैं ये मल्टीपल डिजीज को जन्म दे सकते हैं। इससे इन सब चीजों को सभी व्यक्तियों को फेस करना ही पड़ेगा। आगे हम जिस सिद्धांत की बात करेंगे वो है प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज। देखिए कई बार आयुर्वेद के संबंध में भ्रम है कि ये किसी रोग का इलाज नहीं कर सकता। कई बार बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि आयुर्वेद में सभी रोगों का इलाज है, जबकि ऐसा नहीं है। 4 ब्रॉड कैटेगरीज में आयुर्वेद में डिजीज के प्रोग्नोसिस को एक्सप्लेन किया है। पहला पॉइंट है सुख साध्य रोग। ऐसी बीमारियां होती हैं जो बहुत छोटे इलाज से, बहुत कम समय के इलाज से आसानी से ठीक की जा सकती हैं। दूसरी कैटेगरी आती है कष्ट साध्य रोग, यानी कि कुछ ऐसे रोगों की कैटेगरी है जिसके इलाज के लिए थोड़ा लंबा समय लगता है, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, थोड़ी दवाइयों भी लंबे समय तक रोगी को लेना पड़ता है, वो कष्ट साध्य रोगों की कैटेगरी में आते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो याप्य रोग है। कुछ रोग ऐसे होते हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसको हम परमानेंटली ठीक नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक मिनिमम ट्रीटमेंट के डिसिप्लिन पे अगर हम चलें तो उसको सारी उम्र तक के लिए कंट्रोल किया जा सकता है जिससे रोगी को तकलीफ ना हो। चौथी जो कैटेगरी दी है वो है असाध्य रोगों की। आयुर्वेद में भी ऐसी बीमारियों की एक कैटेगरी है जिसको आप किसी भी तरह से, किसी भी मेथड से ठीक नहीं कर सकते, वो बीमारियां लाइलाज कैटेगरी में आती हैं। अगले सिद्धांत की बात करेंगे हम, चिकित्सा के चतुष्पाद। डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पेशेंट और क्वालिटी मेडिसिन, ये 4 जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं ट्रीटमेंट के लिए, चारों की गुणवत्ता पर और उनके टिपिकल एक जो गुणों का पैटर्न है वो आयुर्वेद में बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया गया है। आगे जो चिकित्सा का सिद्धांत है वो है चिकित्सा की विधियां, कैसे आयुर्वेद में इलाज होता है। आयुर्वेद 2 तरह से इलाज करता है, पहला है शोधन चिकित्सा से, दूसरा है शमन चिकित्सा से। अब इसका मतलब क्या हुआ, शोधन का अर्थ है कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी में दोषों का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो जैसे हम गाड़ी की सर्विस करते हैं ऐसे ही पूरे शरीर की
पूरे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करने से रोग जड़ से खत्म हो जाता है, या अगर रोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है तो सिर्फ मेडिसिन से जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, डाइट से, लाइफस्टाइल से जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसको शमन कैटेगरी में रखा जाता है। उसके लिए कोई मेजर प्रोसीजर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगला सिद्धांत है पंचकर्म चिकित्सा का। डिटॉक्सिफिकेशन शोधन चिकित्सा के लिए प्रयोग में आने वाली 5 चिकित्सा विधियां पंचकर्म की कैटेगरी में आती हैं। इससे क्या होगा, इससे जब रोग शरीर में बहुत एग्रेसिव लेवल पे है तो पंचकर्म चिकित्सा से पूरे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करना, उसकी साफ सफाई करना, जिससे रोग की जड़ ही खत्म हो जाए और बीमारी से पूरी तरह से पीछा छूट जाए, वो कैटेगरी पंचकर्म चिकित्सा की आती है। देखिए, जन्म से मृत्यु के बीच का खेल जीवन है। इस जीवन में हर व्यक्ति पुरुषार्थ चतुष्टय के ऊपर चलता है। पुरुषार्थ चतुष्टय का अर्थ क्या हुआ, धर्म से अर्थ की प्राप्ति करते हुए, अर्थ यानी कि पैसा, धर्म से अर्थ संसाधनों की प्राप्ति करते हुए अपने सभी कामों की पूर्ति करना, सभी इच्छाओं की पूर्ति करना, सभी भौतिक सुखों को भोगना और उसके बाद वैराग्य भाव से मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाना, ये जीवन का परम उद्देश्य है। इसके बारे में आयुर्वेद क्या कहता है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम मूलम आरोग्यम उत्तमम। अर्थात आप इन चारों में से किसी भी पैटर्न पे चलना चाहें, आपको आरोग्य तो चाहिए ही चाहिए, बिना स्वास्थ्य के आप इन चारों में से किसी भी मार्ग पर नहीं जा सकते। देखिए, मैंने आज आपको बताया 20 आयुर्वेद के वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में। ये ना केवल आपके स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हैं बल्कि अगर डिजीज आ जाए तो आपको चिकित्सा लाभ भी दे सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद के जो होलिस्टिक सिद्धांत हैं, जो कुदरत के दिए हुए सिद्धांत हैं, उनका पालन करें, उसमें विश्वास करें, उसमें श्रद्धा रखें, जिससे आप अपने जीवन के मकसद को हासिल कर सकते हैं। नमस्ते।